ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज आज का हमारा अपडेट क्या रहा? वैसे सुबह से मुझे गालियां पड़ रही होंगी। हाँ भैया, तो कह रहा था नीचे जाएगी, ऊपर कैसे चली गई? सो मैंने कहा शाम तक का मुंह दिखाई देते हैं कि मुंह नहीं छुपा लिया हो। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था यहाँ पे कि ये है हमारी एरिया और यहाँ पे मार्केट गिरेगी और एग्जैक्टली वहां से ही नीचे आई है। वैसे इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं पैटर्न के हिसाब से, लेकिन वो सब भी छोड़ दीजिए। लेकिन एक चैनल के अंदर चल रही है मार्केट, जहां से मैं कह रहा हूँ आपको 14,000 पॉइंट की, मतलब 14,000 तक निफ्टी जाने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है, वो भी वीकली बेसिस पे। ये इंट्राडे चार्ट नहीं है, ये नहीं कि कल ही गिर जाएगी, मतलब स्लोली धीरे धीरे नीचे आ सकती है। और ऐसा नहीं कि एकदम धड़ाम नीचे, ऐसे 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 स्लोली यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे आपको पोजिशन दिखाई दे रही है। सेकेंड चीज यहाँ पे है निफ्टी, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी यहाँ सपोर्ट लेगी भाई, लेकिन यहाँ पे करेक्शन के लिए अच्छी खासी जगह है। तो यहाँ पे 2,000 पॉइंट की करेक्शन के लिए तैयार रही है आप। यहाँ पे 38,950 चल रहा है, 36,800 के आसपास पक्का डेफिनेटली यहाँ पे मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी आएगी यहाँ पे। सेकंड, यहाँ पे हमारा जो एकदम कोई चेंज नहीं आया डेल्टा कॉप में, इजिली धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। 5% का रिटर्न यहाँ पे बन चुका है वेदांता। मैं अभी भी कॉशियस हूँ, लेकिन यहाँ पे बुल फ्लैग धीरे धीरे खत्म होने की नौबत आ रही है। तो शायद ये जो मेरी पहली प्रेडिक्शन थी ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अभी जो न्यूज में चल रहा है दैट इज एनडीटीवी, और यहाँ पे लोग मरे जा रहे हैं इसे खरीदने के लिए। ये न्यूज वैसे काफी टाइम से चल रही है, यहाँ पे जून जुलाई के टाइम से यहाँ पे सुगबुगाहट चल रही थी, और उसके बाद नहीं ऊपर की तरफ जा रहा है। और आपको पता है कि 26% स्टेक हाथ से निकल चुका है प्रमोटर्स के, 26 या 29, देख लेना भाई। और यहाँ पे अदानी साहब को और चाहिए स्टेक, इसलिए रोज इसमें 5-5% के सर्किट लग रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप 400, 600, 700 रुपये का शेयर खरीद लेंगे, उसके बाद 1,300 से 1,400 रुपये का आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार उनका एक्विजिशन खत्म हो जाता है, ये शेयर नीचे आएगा। इसलिए यहाँ पे इस चीजों के पीछे ना लगे कि हम यहाँ पे अगर एक्वायर कर लेंगे तो हमें बहुत तगड़ा रिटर्न हो जाएगा। नहीं, वो टाइम निकल गया, वो आपने जून जुलाई में लिया होता तो हो जाता। मैं भी गलती कर चुका हूँ, इसलिए मेरे को इसमें अब कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। बाकी ओवरऑल मार्केट की सिचुएशंस ठीक ही लग रही है मुझे फिलहाल के, बेयरिश ही लग रहा है मार्केट मुझे। और आगे अगर आपको किसी और शेयर के बारे में कुछ पूछना हो तो आप मेरे वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, और कल का भी अपडेट यही है मेरा कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगी। अगर मार्केट ऊपर की तरफ आता है तो शॉर्ट पोजीशन बनाइए और उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।